आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक जब तक कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं दिलाई जाती, यहाँ तक कि इस जो दुष्कर्म हो रहे हैं इसको भी रोकना होगा। जब तक ये दुष्कर्म होना नहीं रुकेगा तब तक हमारा मतलब भारत नहीं सुरक्षित रहेगा। सुमन बोलते हैं मेरे साथ, स्कूली दिनों से बहुजन समाज की आवाज़ को वो उठा रही हैं, लगातार बुद्धिस्ट समाज के साथ वो काम कर रही हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को बुद्ध भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से हमारा प्रोग्राम चलता है और वहाँ से मैं जो है कि निकल के मुझे यहाँ पे दिल्ली कैंट में एक हादसा हुआ है, एक 9 साल की बच्ची के साथ इसका ऐसा दुष्कर्म हुआ है और मैं उसे जो है कि मुझे सोनू जी के माध्यम से मुझे ये लिंक मिला। इस पूरे मामले के पीछे आपको क्या लगता है, क्या आपके विचार है? इस 9 साल की बेटी के साथ में 4 दरिंदे हैवानियत करते हैं, एक नहीं दो नहीं चार, 9 साल की बच्ची के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा, मैं ये जो है कि जो दुष्कर्म हुआ है, चार लोगों ने मिल के उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। मैं केजरीवाल से मतलब जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे केजरीवाल सर जी आए थे और बहुत से राहुल गांधी जी आए थे और अठाड़े जी आए थे, बहुत से लोग आए थे कि उनको भी मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन हम ये जो केजरीवाल से ये कहते हैं कि जो इन्हें हम आम जनता मिल के उन्हें जिताए हैं। छोटी सी बच्ची उस शमशान में पानी भरने के लिए गई, 4 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किए और दुष्कर्म करने के बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली, उन बच्ची को, छोटी सी बच्ची को उसे जला कर मार दिया गया। और वहाँ पे जब जलाया जा रहा था वहाँ पे मतलब आग बुझाने वाले वहाँ पे पहुँचे और यहाँ तक भी मुझे पता चला कि वहाँ के मतलब जो भी पंडित लोग थे एक आध लोग, तो वो पता चला कि उसे बिजली का करंट लगा था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब बिजली का करंट लगा तो उन्हें कौन अधिकार दे दिया भैया कि जलाने का, उन्हें जलाने का कौन अधिकार दे दिया? पहले तो उन्हें परिजनों लोगों को जाके बताना चाहिए था कि वहाँ पे एक बच्ची का मतलब करंट लग गया है। उनके घर वाले आते हैं, उनके मतलब गांव के लोग आते हैं, वो लोग मतलब जो करना होता है वो करते हैं और तुम लोग उन्हें तुरंत ही मतलब वो चारों लोग उसे तुरंत जला दिए। और जलाने के बाद वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठा हुई, जब लाश को बुझाई जा रही, बच्ची के सब को बुझाया जा रहा था, वहाँ पे लाठीचार्ज हुई और हमारी एक सोनू मैम भी है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, उनके साथ भी मतलब उनको भी चोट आई है थोड़ा सा, उनकी आँख थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बची है, अगर थोड़ा सा आँख में लग जाती तो उनकी आँख चली भी जाती। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन दरिंदों, मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूँ, जो आज बच्ची के साथ हुआ शायद ये पहले दे दिए होते, उन लोगों को मतलब रहने का, पानी पीने का, हर एक चीज़ की व्यवस्था हो गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और हमें न्याय चाहिए इस बेटी के खिलाफ। मैं जो हमारी बहुत सी महिलाएं यहाँ पे आंदोलन करके बैठी हैं, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक जब तक कि इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, इन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं दिलाई जाती, यहाँ तक कि इस जो दुष्कर्म हो रहे हैं इसको भी रोकना होगा। जब तक ये दुष्कर्म होना नहीं रुकेगा तब तक हमारा मतलब भारत नहीं सुरक्षित रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।